हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी एट योर होम एंड एंजॉयिंग योर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय योर स्कूल दैट इज सैम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल. टुडे आई सुरभि गिरोटी, योर साइंस टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल, वेलकम यू ऑल इन अवर साइंस क्लास. टुडे वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट मैथड ऑफ सेपरेशन विद दिस एक्टिविटी. लेट अस स्टार्ट. Does water dissolve equal amount of different soluble substances? क्या water soluble substances, अगर जो हमारे substances हैं जिन्हें हम water में soluble कर रहे हैं वो different हैं, क्या वो equal amount के हों तब water में dissolve हो जाएंगे? Let us find out. Find out करेंगे हम इस activity से. Activity 10. Take two glasses. दो ग्लास लेने हैं एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ दैम. और दोनों में हम हाफ कप वाटर पोर कर देंगे, डाल देंगे. एड अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट टू वन ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिसॉल्व. अब क्या करना है, एक टी स्पून सॉल्ट लेना है और उस ग्लास में ऐड करना है और उसको तब तक स्टिर करते रहेंगे जब तक सॉल्ट उसमें डिजॉल्व ना हो जाए. नाउ गो ऑन एडिंग सॉल्ट वन टी स्पून एट अ टाइम टिल द सोल्यूशन सैचुरेटेड. अब हमें एक एक टी स्पून उसमें ऐड करते जाना है. तब कब तक ऐड करेंगे, जब तक सोल्यूशन सैचुरेट ना हो जाए. ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप फोर टी स्पून आप सॉल्ट एक ही बार डाल दें. वन टी स्पून करके आपने सॉल्ट डालना है और उसको कंटिन्यूसली फिर स्टिर करके उसको डिजॉल्व करना है, ठीक है. Now record the number of spoon of salt that dissolve in water in table 5.2. देखिए table 5.2 बनाई हुई है, substances लिखे हुए हैं salt और sugar. और second column किस चीज़ का है, number of spoon of substances that dissolve in water. ठीक है, आपको ये number of spoon count करने हैं कि कितने spoon आपने salt डाला है तब जो आपका जो water है वो saturate हुआ है. Now रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर. यही सेम एक्टिविटी आपको शुगर के साथ रिपीट करनी है. रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. जैसे आप सॉल्ट और शुगर के साथ कर रहे हैं वैसे कोई और सब्सटेंसेस भी आप ले सकते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो. नाउ व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2 मीन, अगर मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं हम अभी, जैसे हम सॉल्ट 4 स्पून हमने ऐड करा तब वाटर सैचुरेटेड हुआ और शुगर हमने 5 स्पून ऐड करी तब वाटर सैचुरेटेड हुआ, ठीक है. डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट. इसमें आप क्या फाइंड करेंगे कि जो वाटर डिजॉल्व, जो वाटर में आपने सब्सटेंसेस डिजॉल्व करे हैं वो क्या डिफरेंट अमाउंट में डिजॉल्व हो रहे हैं. वी हैव Discussed a few method of separating substances. इसमें हमने क्या करा है, कुछ method of separating substances के substances को separate करने के लिए हमने method use करे हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर discuss करा है. Some of the method of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory. इनमें से कुछ method ऐसे हैं जो हम science lab में use करते हैं. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. और हमने इसमें क्या लर्न किया कि जो एक सोल्यूशन जो बनता है, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, कैसे सोल्यूशन प्रिपेयर होता है, बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. जब हम किसी लिक्विड में किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे होते हैं, देखिए आप वाटर लेते हैं ना, ग्लास में आपने वाटर लिया, वाटर कैसा है, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है ना. उसमें आप शुगर ऐड करके, शुगर कैसा है, सब्सटेंस की फॉर्म में, मीन्स सॉलिड फॉर्म में, आपने इसमें ऐड करके इसका क्या बना लिया, सोल्यूशन बना लिया. तो सोल्यूशन कैसे बन रहा है, किसी भी लिक्विड में किसी सब्सटेंस को, किसी सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करने से. अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट. सोल्यूशन को हम सैचुरेट कब कहते हैं, सोल्यूशन सैचुरेटेड तब होता है जब वो क्या करते हैं, जैसे हम वाटर में सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो और सब्सटेंस अपने में ना डिसॉल्व कर पाए,
तब हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं दैट इट इज़ सैचुरेटेड। अब इसमें और सब्सटेंस हम ऐड करके उसको डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन नहीं बना सकते।